माइंडिया चैनल में आपका स्वागत रही बात। तो आज हम सब्जी उत्पादन को हम पढ़ेंगे, तो टाइम न लेते हुए वी विल डिस्कस अबाउट वीडियो। तो सब्जी उत्पादन में जो भी यहाँ पे यूपीएससी यूपीपीसीएस तथा अन्य तमाम प्रकार के स्टेट में जो भी पूछा जाता है तो उसको यहाँ पे जाना जाएगा। तो यहाँ पे उद्यान विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत शाखोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, शाखोत्पादन यानी सब्जी विज्ञान कहलाता है। तो शायद हम तेज बोल रहे हैं, तो आप पहले अपने दिमाग को तेज करिए क्योंकि आप वही घिसा पिटा एकदम स्लो मोशन में दिन भर कोई बताइए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना स्लो पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले अपने स्पीड को हमारे ब्रेन के स्पीड से मैच कराना होगा, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे सब्जी का मनुष्य के आहार में महत्वपूर्ण स्थान है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां, 115 ग्राम पत्तियों वाली, 115 ग्राम अन्य तथा 17 ग्राम जड़ वाली का प्रयोग करना चाहिए। आज देश में सब्जियों की उपलब्धता 2005 के 275 ग्राम प्रति व्यक्ति दिन से बढ़कर 2016-17 में 378.13 ग्राम पर व्यक्ति हो गई है। संतुलित आहार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सब्जियों का भोजन में उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। तो वीडियो को 2x क्वालिटी में रन करके देख लीजिए और कुछ करना नहीं है। इसके बाद भारत में 2016-17 में 175 मिलियन टन के उत्पादन के साथ सब्जी के अधीन 10.29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में देश में सब्जी उत्पादकता 17.01 मिली टन हेक्टेयर है। ज्ञातव्य है कि सब्जियों की उत्पादकता की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व में कुल सब्जी उत्पादकता में भारत का योगदान 10.8 जो कि 2014 का आंकड़ा बता रहा है। उसके बाद भारत विश्व में अदरक तथा भिंडी के उत्पादकता में पहले स्थान पर, जबकि बैंगन आलू पत्ता गोभी टमाटर तो एवं प्याज की उत्पादकता में दूसरे स्थान पर है। तो सब्जियों में भोजन के सभी आवश्यक तत्व तो प्राप्त होते यथा कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में स्टार्च तथा शर्करा के रूप में उपलब्ध तो थोड़ी सी मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है वायरल, तो इसके लिए हम सॉरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अदरक तथा भिंडी के उत्पादकता से पहले स्थान पर, जबकि बैंगन आलू पत्ता गोभी फूल गोभी टमाटर तथा प्याज की उत्पादकता में दूसरे स्थान पर है। सब्जियों के आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं यथा कार्बोहाइड्रेट सब्जी में स्टार्च तथा शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं। यह शकरकंद आलू मटर तथा गाजर आदि में बहुत पाए जाते हैं। सब्जियां प्रोटीन की अच्छा स्रोत नहीं मानी जाती, फिर भी चने की हरी मटर लोबिया बथुआ व फूल गोभी आदि में समुचित मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद सब्जियां संरक्षित तत्वों जैसे खनिज पदार्थ विटामिन तथा अन्य पदार्थों का बाहुल्य स्रोत है। इसके बाद शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य, तो 2016-17 का डाटा है। तो प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय मध्य प्रदेश, चतुर्थ बिहार, पंचम गुजरात, उसके बाद भारत है। इसके बाद कुल सब्जी क्षेत्रफल धारित शीर्ष 5 राज्य, तो प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय मध्य प्रदेश, चतुर्थ बिहार, पंचम उड़ीसा है। उसके बाद ये 2016-17 का डाटा है। उसके बाद और आगे आएंगे तो यहाँ पे दिया होगा शीर्ष 4 उत्पादकता के क्षेत्रफल वाली सब्जियाँ 2016-17, तो आलू 46.54, प्याज 21.56, टमाटर 19.99, उसके बाद बैंगन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ है। और इसी प्रकार श्रृंखला जारी रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देख जाइए।